सर आपका स्वागत है न्यूज फॉर यू में। और सबसे पहले आपको सिद्धमुख में एज ए थाना अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने पर हमारी तरफ से बधाई रहेगी। धन्यवाद। और सर हमारा सवाल आपके लिए ये रहेगा कि आप अलग अलग थानों में ड्यूटी करके आए हैं, अभी आप सिद्धमुख थाने में एज ए थाना अधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो क्षेत्र में लगातार क्राइम की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे वर्तमान में आपके सामने क्या चुनौतियां रहेगी? अभी मैंने सिद्धमुख थानाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे जी, तथा अपराधियों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सिद्धमुख कस्बा में थोड़ी यातायात की व्यवस्था की समस्या है, जो ग्रामीणों से हमने एक मीटिंग की है, व्यापार मंडल से भी मीटिंग की है, उसको सुधारेंगे। बाकी इलाके में अगर कोई अपराधी लोग हैं या असामाजिक तत्व हैं तो उनको चिन्हित करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अभी पिछली 17 जनवरी को आपके कार्यभार ग्रहण करने के बाद में एक मामला सामने आया था चौधरी हॉस्पिटल का, जिसके अंदर दो युवक थे, वो अपनी माता की डेड बॉडी को लेके प्रदर्शन पे और धरने पे बैठ गए थे अस्पताल के आगे, प्रशासन के मामले अस्पताल प्रशासन के आगे, तो पुलिस प्रशासन का उसके बारे में क्या कहना है, पूरा मामला क्या है? वो दो लड़के अपनी माता की तबीयत खराब होने पे चौधरी हॉस्पिटल लेके आए थे। इलाज के दौरान उस महिला की तबीयत बिगड़ने पे चौधरी हॉस्पिटल से उसको रेफर करना बताया गया था। दूसरी जगह ले जाते समय रास्ते में उसकी डेथ हो गई, तो वो दोनों लड़के अपनी माँ की डेड बॉडी को वापस हॉस्पिटल के आगे ले आए थे और वहाँ थोड़ा उन्होंने विरोध दर्ज करवाया था जी। उसके बाद में उस महिला की डेड बॉडी को राजगढ़ ले जाकर के वहाँ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उस मामले की मर्ज दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है, तथा मेडिकल बोर्ड का भी एक गठन करवाया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा भी इस मामले की जांच की जा रही है। जैसी ही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट होगी उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी पीछे जो है उसके जस्ट एक दिन बाद में 18 तारीख को एक घटना घटित हुई थी कि जो ठेके वाले थे, शराब के जो ठेकेदार थे, उनके बीच में यहाँ पे रंजिश के का मामला सामने आया, लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया, तो उसके बारे में पुलिस की क्या सूचना और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस को झगड़ा होने की सूचना मिली थी, उसकी जो रिपोर्ट पेश की उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब तक की जांच से ये सामने आया है कि एक सिद्धमुख का राकेश कुमार डाका है, उसकी और एक बिरनी गांव का कोई राजू नाम का युवक है, उन दोनों की आपस में पुरानी रंजिश चली आ रही है। शराब ठेकों की बात को लेकर उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था, उनका झगड़ा जो पुरानी रंजिश है उसको लेकर के हुआ था जी। उसमें हमने 307 में FIR दर्ज कर रखी है जी। जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने फायरिंग के आरोप लगाए गए हैं, इस विषय पर अनुसंधान किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि इस मामले में कोई फायरिंग हुई है। तो हरियाणा बॉर्डर जो है वो सिद्धमुख से टच में है, आपका जो थाना क्षेत्र है वो हरियाणा बॉर्डर से लगता है, तो हरियाणा की तरफ से आने वाले तस्करों का भी आपकी तरफ आपके लिए एक चैलेंज ही होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए आप किस प्रकार तैयार है? बिल्कुल, हरियाणा बॉर्डर पे हमारी नियमित रूप से गश्त हो रही है। जो हरियाणा के पड़ोसी थाना है शिवानी, वहाँ के SHO साहब से भी मैंने संपर्क किया है जी। भिवानी के जो CIA इंचार्ज है उनसे भी मैंने संपर्क कर रखा है जी। बॉर्डर पे हमारी निगरानी है, अगर वहाँ से कोई बैड एलिमेंट प्रवेश करने की कोशिश करेगा या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप क्षेत्र में क्राइम रेट को घटाने में सफल रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा मैं आपके चैनल के माध्यम से सिद्धमुख
कि जनता वैसे मुख थाना क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। कहीं भी कोई अपराध घटित हो रहा है या कोई अवांछनीय गतिविधियां हो रही है तो उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि हम जनता के सहयोग से सीधमुख इलाके को अपराध मुक्त कर सकें।